हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Z5 एप्लीकेशन के लिए, जिसे कि हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, Z5 एक OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मूवीज, वेब सीरीज वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसे हम अपने कंप्यूटर या फिर PC में कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में एज ब्राउजर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एज ब्राउजर है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है z5.com। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ z5.com। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे z5 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के वेब सीरीज वगैरह देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डिफरेंट टाइप की वेब सीरीज, मूवीज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे आपको अपने PC या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है एप्स वाले ऑप्शन पे। ठीक है, एप्स वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंस्टॉल दिस साइट एज एन ऐप। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद ये आपके PC में इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद ये आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जिसमें भी आप इसे प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये आपके PC में लगभग इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, ये ओपन होके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं, और इसे भी क्लोज कर देते हैं, और इसे भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अपने PC में इसे इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हमें ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो इसके लिए हमें आना होगा यहाँ पे विंडो आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको C5 यहाँ पे दिख रहा है रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसे डेस्कटॉप पे लाना है, तो यहाँ पे ऑल एप्स पे आपको आना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फाइंड कर लेंगे C5, सबसे लास्ट में होगा नीचे C5, इस पे क्लिक करेंगे, होल्ड करके रखेंगे और ऐसे करके यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ओपन हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आप इसे वॉच कर सकते हैं, इसकी वेब सीरीज वगैरह, मूवीज वगैरह जो भी इसमें है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर में Z5 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।